हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? और आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आप देख सकते हो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए मौसम बहुत ख़राब है, बारिश आने वाली है, जो कि आप देख सकते हो बारिश बहुत तेज आने वाली है, ये तो गारंटी है। चलिए हम खाना बना लेते हैं। ये रात को आम काट के रखा है, चलिए इसका मुरब्बा बना लेती हूँ। मौसम ख़राब होने की वजह से लाइट भी चली गई है, पता नहीं कब आएगी। तो मुझे ना मुरब्बा बहुत पसंद आने लगा है पराठों के साथ, इसलिए जब भी आम गिरते हैं पेड़ों से तो मैं बना लेती हूँ। मैंने इसमें 5 फ़ोरन डाल दिया है, तेल डाल दिया है, मिर्ची डाल दी है, तेज़पत्ता भी डाल दिया है। इतनी गर्मी के बावजूद अगर बारिश आ जाए तो हमारे फेस पे जैसे मुस्कान आ जाती है, हमारे पेड़ पौधों के फेस पे भी तो मुस्कान आ जाती होगी ना, वो भी हरे भरे हो जाते हैं। चीनी नमक डाल के पका रहे हैं, फिर पक जाने के बाद भून जाएगा, फिर उसमें पानी डालेंगे। मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है पराठों के साथ, तो खास करके बहुत मज़ेदार, कितना मस्त दिख रहा है ना। देखिए अभी तो बस हमारी जो चीनी गल रही है उसी से, मैंने पानी भी नहीं डाला था इसमें, बस चीनी गल रही है वही है। और ये देखिए दाल, तो मैं दाल बना लेती हूँ, चावल बना लेती हूँ और केले की सब्जी। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, देखिए एक तरफ हमारा मुरब्बा पक रहा है और एक तरफ दाल रखती है, और बारिश बहुत तेज आ रही है ना, तो कट से आवाज़ आ रही है, देखिए बहुत तेज तेज। ये देखिए तोरी का पेड़, और इसमें ये अभी तोरी निकल रही है, ये देखिए आई इतना सा ही पेड़ है, बस इसका छोटा सा ही पेड़ है, आप देख सकते हो इस पर ये अभी से ही लगना शुरू हो गया है। चलो और दिखाते हैं। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि डंडे से क्या बना रखा है, तो ये बांस की बातियाँ होती हैं, इससे कवर कर दिया जाता है, किनारे किनारे इसको बांध दिया जाता है, जिससे हमारे जो जानवर हैं वो हमारे पेड़ पौधों को खराब ना करे, तोड़े नहीं। और ये तो सब्जी की खेती कर रखी है घर के खाने के लिए, बेचने के लिए नहीं, तो हमें इसको कवर करना जरूरी है। भिंडी की खेती कर रखी है, ये देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा भिंडी इसमें। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो फसलें हैं, ये हमारी जो सब्जियां हैं, ये कितनी हरी भरी हो गई है ना बारिश के आ जाने के बाद, तो कितनी सुंदर लग रही हैं, हरियाली आ गई है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो ये देख सकते हैं बारिश के आने के बाद कितने हरे भरे हो गए हैं हमारे पौधे। ये हमारा करेली का पेड़ है छोटा सा, और ये हमारा लौकी का पौधा है छोटा सा, सॉरी मैं पेड़ कह रही हूँ, और ये हमारे मूली के हैं, मूली हैं, ये कीड़े खा गए थे, इस पर दवाई डाला गया तब तक बारिश आ गई। ये हमारे बरबट्टी का पौधा है, कितना मस्त लग रहे हैं हरे हरे बारिश के आ जाने की वजह से, इनको जान आ गई है इनके अंदर, हम देख के फील कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे खीरे का पौधा जिसपे फूल आ गए हैं, अब छोटा सा ही है, अब खीरा भी आने वाला है। तो वीडियो कैसे लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय बाय।